बेरोजगार, बेरोजगारी, इंडिया हो या पूरी दुनिया, ये वर्ड आजकल बहुत ही कॉमन हो गए। दोस्तों, लेट्स कम एंड लर्न सम डिफरेंट वोक्यूबुलरीज, दोज आर कनेक्टेड विद दिस थिंग। फ्रेंड्स, बेरोजगार, इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार ना हो, दैट इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयड, UNEMPLOYED, अनएम्प्लॉयड। ऐसा व्यक्ति जिसके पास जॉब ना हो उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड। द सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है बेरोजगारी। इट मींस योग्यता होने के बाद भी यदि उस व्यक्ति के पास जॉब नहीं है तो दैट इज बेरोजगारी, इसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब दोस्तों, जब हम एक छोटा सा रीज़न पता करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक कैटेगरी तो वो है कि जिसके पास जॉब ही नहीं है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड। परंतु कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जॉब होते हुए भी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। देखिए कैसे, द फर्स्ट इज़ व्हाट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इट मीन्स कोई ऐसा बिजनेस करता है या कोई ऐसा काम करता है जो कि किसी निश्चित सीजन पर ही चलता है, और जब वो सीजन ख़त्म हो जाता है तो वो बेरोजगार हो जाता है। ऐसी बेरोजगारी को हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स सी हियर कि जैसे मान लीजिए कोई छाते की फैक्ट्री में काम करता है, तो ये कुछ ही समय काम करेगी, ये पूरे साल भर काम नहीं करेगी, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि किसी निश्चित परिस्थिति या किसी निश्चित स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल, मतलब संरचना के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में एक हायरार्की थी और उसमें चार लोग आपस में एक के नीचे एक जॉब करते थे। मान लीजिए कंपनी ने ये वाला पोस्ट ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर एक जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया में ओपन हो गई, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कुछ समय तक तो काम चलता है परंतु उसके तुरंत बाद वो काम बंद हो जाता है, ऐसे ही कुछ समय चलता है कुछ समय बंद हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, आपके पास एक भैंस है तो वो पूरे 24 आवर्स और 12 मंथ तो दूध नहीं देगी, तो अगर मान लीजिए दो महीने का भी गैप होता है तो इस तरह के गैप को हम कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो निश्चित साइकिल के कारण। जैसे मान लीजिए कि भाई हमारा ऑरेंज का बिजनेस है, हम संतरे बेचते हैं, संतरे जब रहेंगे तब हम उसको बेचेंगे परंतु जब नहीं रहेंगे तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जॉब फिक्स नहीं होता है, मतलब जैसा उनको काम मिलता है, जैसे हम डेली वाले मजदूरों की बात करें कि वो रोज़ जाते हैं मजदूरी पर, रोज़ उनको पैसा मिलता है, तो एक काम मान लीजिए उनने फिनिश किया और दूसरे काम के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स कम हियर, लाइक कि सपोज़ मैं कोई ठेकेदार हूँ, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया पर मुझे अगला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो उस बीच का जो गैप होगा दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ होते हैं अनवॉलेंटियरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ पर मेरे पास खेती बाड़ी भी है, तो जब खेती में काम करने का समय आता है तो मैं अपनी फैक्ट्री से छुट्टी ले लेता हूँ, तो फैक्ट्री वाले मुझे सैलरी देना बंद कर देते, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा ये एम्प्लॉयर के द्वारा क्रिएट किया गया अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का, जितनी भी शुगर मिल होती है इसमें सीजनल बिजनेस चलता है और जब इनका सीजन ख़त्म हो जाता है तो फैक्ट्री को क्लोज कर दिया जाता है, शट डाउन कर दिया जाता है अगले सीजन के लिए, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और जो इस किसी कैटेगरी में ना आने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है तो उसे हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। फॉर सेम वीडियोज़ फ्रेंड्स, फॉलो, लाइक एंड शेयर अस।